मध्य प्रदेश में राजनीतिक सियासी उलटफेर के बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार और उसमें सबसे पहले बनाई गई कैबिनेट मंत्री श्रुति मीना सिंह पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के कारोंदी टोला के सरपंच ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। क्षेत्र के विधायक और सरकार की अजाक मंत्री मीना सिंह पर ग्राम पंचायत करौंदा टोला के सरपंच सुरेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति पत्र भेजकर उल्लेख किया है कि उसे बीते 10 वर्षों से निजी स्वार्थों के कारण मानपुर विधानसभा के विधायक और वर्तमान में मंत्री श्रुति मीना सिंह द्वारा कुछ आदिवासियों से अनावश्यक और झूठी शिकायत कराकर उनकी प्रतिष्ठा पर आघात कर बदनाम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के अजाक मंत्री से लगातार प्रताड़ित होने से अब सुरेश सिंह ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। वर्तमान मध्य प्रदेश शासन की मंत्री सुश्री मीना सिंह, इन दोनों लगातार मुझे लगभग 10 वर्ष से किसी न किसी बहाने परेशान कर रही है। वर्तमान में कुछ अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के माध्यम से मेरी कुछ पट्टे की आराजी जबरदस्ती जुतवा ली गई है और मैं इनके कृत्य से काफ़ी आहत हूँ और आज ही मैंने कलेक्टर महोदय को इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए ज्ञापन भी दिया है तथा कहा है कि यदि 1 माह के अंदर यदि मुझे अनुमति नहीं मिली तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सपरिवार कलेक्ट्रेट में आत्मदाह कर लूँगा। समाज में आक्रोश पैदा करना, सवर्णों को अपमानित करना, हमारे और हमारे इतने प्रिय संबंध आदिवासी हरिजनों से थे उनके बीच में कटुता पैदा करना, उन्हें उकसाना, झूठी शिकायतें करवाना, ये उनका परम मुख्य धंधा हो गया। मुन्ना सिंह के बारे में क्या है? कुछ नहीं, 10 बार उनके पंचायत की जांच हो चुकी, उसके पास JCB नहीं है, JCB की उसकी JCB इस पंचायत में काम कर रही, उस पंचायत में कर रही, जब उसके पास JCB है ही नहीं तो किस बात की भी भाई, उसके भाई परिवारों के पास होगी तो ठेकेदार है क्या दुनिया का, उसको देखो आप जिसके पास हो। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। वो तो हर तक कभी उसको मालूम हुआ है कुछ नहीं, इच्छा मृत्यु चाहिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति से पत्र लिखा है। आखिर पब्लिक जाएगी कहाँ बताइए? जब कार्यकर्ता के अपने पार्टी के कार्यकर्ता की ये दुर्गति है तो हम जैसे विपक्ष लोगों की क्या हालत होगी, जरा सोचने समझने की आवश्यकता है।